अभी अभी मैंने आपके सोशल मीडिया पे थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए पोस्ट देखे एंड क्यूट इज लाइक अ कॉमन वर्ड. जैसे मैकडोनल्ड्स के साथ हमें फ्राइज याद आता है, अरमान मालिक के साथ ऐसे क्यूट याद आता है. सो आई हैव टू ब्रिंग इट अप एंड आई एम गोना ब्रिंग इट अप 5000 टाइम्स. डिडंट से आई एम लविंग इट. यार यू आर अ वेरी हैंडसम मिस्ट्री, ऐसे अ लॉट ऑफ पीपल से दैट. तो काफी सारे ऐसे मतलब सीक्रेट्स हैं जो आज हम सब अनकवर करेंगे, बिकॉज़ आप मेरे दोस्त हैं तो आपको आज बोलना ही पड़ेगा. लॉक्ड है तो आज अनलॉक करना है. सब सब चलो ट्राई करते हैं. यू हैव सच अ ह्यूज फॉलोइंग, दे आर कॉल्ड वेरी फॉन्डली अरमानियंस. एंड टेल मी दिस, बचपन से ही आपको पता था यू आर गोइंग टू बी अ पॉप स्टार? जैसे मुझे पहले लगता था टीचर, तो आपको भी लगता था एस्ट्रोनॉट की कुछ की पॉप स्टार? सबसे पहला ड्रीम था कि यार मैं एक शेफ बनूं. Are you serious? Yeah, that was my first dream that I want to become a chef. Obviously, music ka mahol tha family mein. Jahan dekho mukhde, antre, tabla, harmonium, har jagah tha. Right. For me, bachpan se mujhe ek plan tha ki yaar haan mujhe singer banna hai. At the age of 8, I was clear ki mujhe ek singer banna hai. Age of 8. Sure. Yeah. पॉप स्टार एंड ऑल वो बाद में, मतलब व्हेन आई वाज 15 तब चस्का था कि तब पता चला कि मैं तो इतना क्यूट हूं, मैं तो पॉप स्टार हूं. आवाज तो क्यूट है ही.